अगर आप ये वीडियो इवन टेन सेकेंड्स के लिए भी देख रहे हैं आई कैन गारंटी यू अगर आप इस सीरीज के सारे वीडियोज देख लेंगे तो आपका जो सी एस आई का इकोलॉजी पोर्शन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा एंड आई कैन बेट कि बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी चीजें आपको अलग से जाके कोई भी बुक खोल के देखना नहीं पड़ेगा हेलो डियर लर्नर्स वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू आल आर डूइंग वेल so i am here with a video dealing with a topic that is from ecology section as we all know that ecology holds a significant importance in csr examination and so many questions are asked from the very easy topics of the ecology section so we'll discuss it in depth and then we will solve some question and if you like my videos and shorts so you can subscribe it for more such videos and also it gives me a motivation to make more such videos for every exam dealing with life sciences so thank you for watching and please do completely watch the video have you ever imagined that ye itna sundar sa jo grassland hai kya wo all of a sudden appear ho jata hai ya isse pehle koi aur community wahan pe exist hoti thi और फिर वो transform हो गई एक final community में जो कि है ग्रासलैंड क्या आपने कभी try किया है सोचने का so, आज हम देखते हैं कम्युनिटी डायनामिक्स कम्युनिटी डायनामिक्स इज़ नथिंग बट द चेंजेस इन दैटर्न ऑफ अ कम्युनिटी ओवर टाइम यानी कि टाइम के साथ जैसे ये एक सुंदर सा ग्रासलैंड जो दिख रहा है ये ऑल ऑफ अ सडन अपियर नहीं होगा यहाँ पे पहले बैरन लैंड होगा जो कि ग्रेजुअली ओवर टाइम एनवामेंट के अलग अलग फैक्टर्स से इंटरैक्ट होके फिर जाके इस ग्रासलैंड में ट्रांसफॉर्म हुआ होगा इस टॉपिक के बारे में पढ़ना हम क्या कहते हैं उसे कम्युनिटी डायनामिक्स जिसमें हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं द चेंजिंग पैटर्न ऑफ कम्युनिटी स्ट्रक्चर थ्रू टाइम इज नोन एज कम्युनिटी डायनामिक्स यानी कि जो कम्युनिटी है वो टाइम के साथ में कैसे ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम द पोजिशन वन टू पोजिशन टू उसे हम कहते हैं कम्युनिटी डायनामिक्स अब कम्युनिटी डायनामिक्स का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम कहते हैं सक्सेशन सक्सेशन का मतलब होता है सबसे पहले तो ये एक स्टडी एंड ग्रेजुअल चेंज है इट ये एक दिन में या फिर एक साल में या दस साल में नहीं हुआ है ये होता है ग्रेजुअली स्टडीली यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो यानी लगभग जो पुराने जो जमीन थे बैरन लैंड्स थे वो बहुत साल पुराने थे जो कि धीरे धीरे अभी जो हम देख रहे हैं वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म्ड हम देखते हैं लेकिन वो पहले ऐसे एग्जिस्ट होता था क्या नहीं पहले वो बहुत ही डिफरेंट था जो टाइम के साथ क्या हुआ है चेंज हो गया है तो इसीलिए इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी विच इवॉल्व्स ओवर टाइम पीरियड अब जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो एक स्टेडी एंड ग्रेजुअल चेंज शो करता है एक स्पीशीज का ओवर टाइम यानी कि कुछ स्पीशीज वैनिश होती है और कुछ स्पीशीज अपीयर होती हैं सो दैट एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे नेचर में तो उसी को हम कहते हैं सक्सेशन अब ये जो चेंज है वो पूरी तरह से क्या होता है प्रिडिक्टेबल चेंज होता है और साथ ही साथ सिक्वेंशियल चेंज होता है यानी कि हर एक चीज का सीक्वेंस है डायरेक्टली हम अगर बात करें खाली जमीन की बंजर जमीन की तो वहां पे डायरेक्टली हमें ट्रीज नहीं दिखेंगे ट्रीज के पहले हमें धीरे धीरे क्या दिखेंगे फर्स्ट स्टेप क्या दिखेंगे छोटे छोटे ग्रासेस आएंगे यानी कि उसके बाद फिर वो थोड़े से बड़े होंगे श्रब्स में कन्वर्ट होंगे देन श्रब्स थोड़े से बड़े होंगे मॉडिफाई होंगे वो ट्रीज में कन्वर्ट होंगे इट मीन्स कि ये सिक्वेंशियल है डायरेक्टली हमें मेन क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं मिलेंगी हमें क्या मिलेगा शुरुआती स्पीशीज से लेके फिर इंटरमीडिएट उसके बाद फाइनल तो इट इज़ अ स्टडी ग्रेजुअल एज वेल एज सिक्वेंशियल चेंज इन अ स्पीशीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू चेंजिंग एनवामेंट यानी एक स्पीशीज़ टाइम में चेंज के साथ यानी बढ़ते समय के साथ और बढ़ते एनवामेंट में चेंजेस के साथ कैसे इवॉल्व होके कैसे चेंज होता है एक इकोलॉजिकल बैलेंस बनता है यानी यानी सम कुछ कुछ बढ़ रही है, और कुछ species हो रही और हो ताकि एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे अब अगर हम सक्सेशन की बात करें तो बेसिकली दो टाइप का होता है प्राइमरी और सेकेंडरी इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम प्राइमरी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो वीडियो सीरीज में बना रही हूँ वो छोटे छोटे हम बनाएंगे मिनट्स का ताकि हम इजीली कॉन्सेप्ट को समझ पाए सेकेंडरी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अब अगर हम लोग बेसिक डिफरेंस की बात करें प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन सो जो प्राइमरी सक्सेशन होता है वो ऐसे एरियाज में होता है जहाँ पे वो ऑलरेडी कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है इट मीन्स कि कोई भी इनहेबिटेंट्स उस हैबिटार्ट में नहीं है इट इज़ टोटली बैरन एंड जो सेकेंडरी होता है वो इसका जस्ट अपोजिट होता है वो इन एरियाज़ में होता है जो ऑलरेडी कोई कम्युनिटी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है इट मीनस कि जहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन हो गया है वहाँ पे होता है सेकेंडरी सक्सेशन अब जैसे सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो प्राइमरी सक्सेशन के बाद हो रहा है तो ऑब्वियसली उसमें टाइम कम लगेगा क्योंकि पहले से जो प्राइमरिंग कम्युनिटीज हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं और अगर बात करें प्राइमरी सक्सेशन की तो वो बहुत ही स्लो होता है क्योंकि वो कहाँ से हो रहा है वो ग्राउंड लेवल से हो रहा है और वहाँ पे कोई भी इन्हेबिडेंट नहीं था कोई सॉइल का कोई कंडीशन नहीं था सॉइल नहीं था धीरे धीरे पूरे ग्राउंड लेवल से चीज़ें वहाँ पर सेटअप होती हैं इसीलिए प्राइमरी सक्सेशन जो है वो स्लो होता है तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली प्राइमरी सक्सेशन को पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेकेंडरी सक्सेशन विथ एग्जाम्पल सो इफ वी टॉक अबाउट द प्राइमरी सक्सेशन सो बेसिकली ये उन एरियाज में होता है जैसे कि मैंने पहले भी बताया जो कि कभी भी इट इज नेवर इन्हेबिटेड बाई एनी ऑफ दी कम्युनिटी यानी टोटली क्या है बैरन है कुछ भी नहीं है वहाँ पे कोई लाइफ स्पीशीज नहीं है तो कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं रॉक आउटक्रॉप्स क्लिफ्स ड्यून्स रॉक आउटक्रॉप्स क्या होता है ये जैसे चट्टान है यहाँ पे बड़े बड़े से यहाँ पे छोटे छोटे जो ग्रासेस दिख रहे हैं इन्हें कहते हैं रॉक आउटक्रॉप्स यानी रॉक से निकले हुए तो ये ऑल ऑफ अ सडन तो आते नहीं हैं और दूसरा क्या है क्लिफ्स यानी जो चट्टाने होती हैं जिनमें आइस भी देखने को मिलता है कभी 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 ऐसे जो वेजिटेशन देखने मिल रहा है और ये है सैंड्यून्स तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि प्राइमरी सक्सेशन अगर हम बात करें कोस्टल सैंडूंस की तो वहाँ पर कैसे होता है प्राइमरी सक्सेशन जो है वो क्या होता है जब न्यूली फॉर्म्ड एरिया इज़ इन्हेबिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ये चीज़ आपको हमेशा primary succession में याद रखना है कि एक तो वो जो area है वहां पे, पे पहले से कोई स्पीशीज नहीं है यानी कि प्रीवियसली क्या है अन इनहेबिटेड है बैरन एरिया है और टॉप सॉयल और ऑर्गेनिक मैटर लैकिंग ऑर्गेनिक मैटर क्यों लैकिंग क्योंकि कोई प्लांट का कोई स्पीशीज़ पहले से एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इसलिए ऑर्गेनिक मैटर का कोई सवाल ही नहीं उठता तो ये जो दो पॉइंट्स हैं वो बहुत ही स्पेसिफिकली मैंने लिखे हैं आप इन तीन पॉइंट्स के थ्रू भी अगर आप जुलॉजिस्ट स्टूडेंट हैं तो आप प्राइमरी सक्सेशन को बता सकते हैं बहुत ही क्लियर कट लैंग्वेज में अब एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कि एक सैंड ड्यून जो कि क्या है बहुत ही इनहॉस्पिटेबल है यानी कि रहने लायक -like बिल्कुल कंडीशन नहीं है उस एरिया में कैसे प्राइमरी सक्सेशन होता है तो सबसे पहले अगर सैंड ड्यून की बात करें हम लोग तो सैंड ही वहाँ पे सबसे पहला फैक्टर हो जाएगा सैंड अब सैंड कैसे बनता है रॉक्स के वेदरिंग से रॉक्स का वेदरिंग कैसे होता है थ्रू हाई स्पीड एयर यानी कि विंड और वाटर के फोर्स के थ्रू जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो टूटते हैं यानी कि रॉक का वेदरिंग होता है और सैंड का फॉर्मेशन होता है तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर पाइल्ड अप होते हैं यानी इकट्ठा होते जाते हैं बहुत सारे सैंड और धीरे से वो क्या बना लेते हैं पाइल बना लेते हैं विथ टाइम ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं होती बहुत सालों में वो इकट्ठा होते होते हवा चली और धीरे धीरे थोड़ा सा सैंड इकट्ठा होते होते क्या बन गया एक पाइल बन गया एंड फाइनली ड्यून्स में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद क्या होता है जो ड्यून्स है वो धीरे धीरे क्या होती हैं शिफ्ट होती हैं वाटर और एयर के थ्रू विंड के थ्रू और वहाँ के आसपास जो छोटे मोटे वेजिटेशन्स होते हैं और रॉक्स होते हैं बिल्डिंग्स होते हैं उसके जो पेबल्स हैं स्टोन हैं वो सब क्या करते हैं कवर कर लेते हैं अब कवर किए अब थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है जो सैंडून ऑलरेडी बन चुका है वो धीरे धीरे वेजिटेशन को भी कवर कर लेता है और कौन से टाइप की वेजिटेशन ये क्वेश्चन यहाँ से सी एस आर का बन सकता है बी सेक्शन का कौन सा क्वेश्चन बन सकता है कौन से ग्रासेस यूजुअली इनहबिट करते हैं सैंड्यून्स को तो ये है एमोफिला ब्रीविली गुलाटा एमोफिला ब्रीविली गुलाटा ये एक ग्रास का नाम है जिसे बीच ग्रास भी कहते हैं ये सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग या सक्सेसफुल या आप बोल सकते हैं कि सैंड्यून्स का पायोनियरिंग स्पीशीज है पैनियरिंग मतलब सबसे फर्स्ट यही अपीयर होता है और ये क्या करता है कि स्टेबिलाईज करता है ड्यून्स को राइजोम्स के थ्रू यानी हमको पता है कि सॉइल इरोजन से कैसे बचता है सॉइल क्योंकि जो प्लांट्स के जो रूट होते हैं जो ग्रासेस होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं टॉप मोस्ट लेयर को सो दैट विंड या फिर एयर या किसी भी टाइप का फिजिकल फोर्स उसे क्या करे ले ऑफ ना कर पाए तो यहाँ पे फर्स्ट पैनियरिंग कम्युनिटी क्या हो गई एमोफिला ब्रिविली गुलाटा अब ये जो है क्या होता है अब स्टेबिलाइज कर दिया इसने ड्यून्स को अब मैट जैसा ये ग्रो होता है मैट मैं फिगर में एक बार दिखा देती हूँ ये वाला फिगर है कोस्टल सैंड्यून्स का और ये जो ग्रासेस दिख रहा है ये क्या है जो अभी हमने देखा अब ये क्या है मैट जैसा है ये स्टेबिलाइज़ करेगा ड्यून्स को अब ये क्या करेगा धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगा जो मैट है वो कन्वर्ट होगा ट्रीज में अब ट्रीज़ में भी कैसे कन्वर्ट होगा सबसे पहले कौन सा ट्री आएगा पाइंस का आएगा उसके बाद आएगा ओक ट्री अब जैसा कि सैंड्यून कैसा है वहाँ पे मॉइस्चर बहुत कम होता है यानी कि बहुत ही ड्राई हैबिटाट है वो तो ओक ही क्या हो जाता है फाइनल कम्युनिटी हो जाता है यानी ये रिप्लेस नहीं होता किसी और टाइप के ट्रीज से क्योंकि दे विल रिक्वायर वाटर और जनरली सैंडयून में क्या होता है मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही लो होता है तो ये एक कैसा सिक्वेंशियल स्टेप था यानी सैंड ड्यून्स डायरेक्टली कन्वर्ट हो गए किसमें ओक में थ्रू सीरीज ऑफ डिफरेंट इवेंट्स तो ये क्या था ये था प्राइमरी सक्सेशन सैंड ड्यून का एक एग्जाम्पल आई हैव ट्राइड कि मैं बहुत ही ईजी मैनर में समझा पाऊँ अब आप इसका एक स्क्रीन शॉट रख सकते हैं ताकि आप एक बार ही देखें और आपको समझ में आ जाए अब एक और डायग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं जैसे ये वाला डायग्राम सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है यहाँ पे बेयर रॉक्स दिख रहे हैं अब ये क्या है ये इनहेबिटेड नहीं है किसी भी यहाँ पे कोई भी बायोलॉजिकल लाइफ नहीं दिख रहा है अब उसके बाद धीरे धीरे क्या आते हैं लाइकेंस आते हैं लाइकन्स के बाद छोटे छोटे प्लांट्स यहाँ पे दिख रहे हैं ग्रासेस दिख रहे हैं तो ये क्या होगा ये पाइनिंग स्पीशीज होता है यानी सबसे पहले बैरन लैंड पे जो स्पीशीज आते हैं वो ये ही आते हैं उसके बाद फिर और भी दूसरे टाइप की ग्रासेस आते हैं एंड देन फाइनली श्रब्स एंड देन ये ओक और दूसरे ट्रीज आते हैं तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी कौन सा हो गया ट्रीज हो गया तो ये जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है क्या वो डायरेक्टली आया नहीं ये डायरेक्टली नहीं आया इसके पहले क्या था शुरुआत कहां से हुई बेयर रॉक कन्वर्ट हुआ लाइक में लाइक स्मॉल प्लांट में देन ग्रासेस एंड देन और ये होता है हंड्रेड ऑफ ईयर्स में यानी बहुत सालों में ये चेंजेस होते हैं सो आई ट्राइड माई बेस्ट कि बहुत ही ईजी मैनर में मैं समझा पाऊँ अगर आपको ये जो प्राइमरी सक्सेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो डो विजिट माई शॉर्ट्स विच आई ऑलरेडी अपलोडेड इन मॉर्निंग मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया है जिसमें क्वेश्चन कवर किए हैं मैंने तो उसे देखिए और फिर इस टॉपिक से रिलेट कीजिए पहले ये टॉपिक पूरा पढ़िए फिर उसके बाद वो शॉर्ट्स देखिए जिसमें मैंने प्राइमरी सक्सेशन के क्वेश्चन डाले एंड ऑल्सो डो सब्सक्राइब इफ यू लाइक द चैनल एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग